नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल, जो है सूखे काले चने की मसाले वाली सब्जी। सूखे काले चने की सब्जी माँ दुर्गा को अष्टमी नवमी को भोग लगाया जाता है। यह सब्जी हमें किसी भी भंडारे में भी खाने को मिल जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक कप काले चने को रात भर भिंगो कर रख दिया था। ये चने अच्छी तरह फूल गए हैं। अब इसे हम बॉईल करने के लिए कुकर में डालेंगे। मैंने यहाँ एक चम्मच सेंधा नमक डाला है, दो तेज़पत्ता डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि चने हमारे अच्छी तरह डूब जाए। अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। इसमें हम पहले दो विसल आने देंगे, फिर लो फ्लेम में इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। कुकर में हमारे सारे विसल आ चुके हैं, अब प्रेशर निकल गया है। अब इसे हम खोल लेते हैं। चने हमारे अच्छी तरह पक गए हैं, चने अच्छी तरह गल गए हैं, ये सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह दबाकर हम चेक कर सकते हैं। चने को पकाने में मैंने सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, बगैर सोडे के भी ये अच्छी तरह गल गए हैं। अब चलिए इसका सब्जी बना लेते हैं। मैंने यहाँ एक पैन लिया है, पैन में मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गर्म होते ही 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा पकाने के बाद इसमें हम हींग डालेंगे, हींग से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैंने यह 4-5 हरी मिर्च को काट के डाला है। हरी मिर्च को थोड़ा चला लेने के बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। चटपटा स्वाद के लिए 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ हरी मिर्च भी डाला था। अब इन सारे मसाले को अच्छी तरह मिलाते हुए चला लेंगे। मैंने यहाँ 2 टमाटर को काट के ले लिया है, इसे भी इसमें डाल कर चला लेंगे। आप चाहे तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर ढक देते हैं, जिससे टमाटर अच्छी तरह पक जाए। टमाटर अच्छी तरह गल गया है और मसाले भी पक गए हैं। मसाले तेल को छोड़ने लगा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस स्टेज पर हमने जो चने को उबाल कर रखा था उसे इसमें डालेंगे। मैंने यह चने के पानी को अलग नहीं किया है, उसे भी साथ में डाल दिया है, क्योंकि इसी पानी में हम चने और मसाले को थोड़ी देर पकाएंगे। मैंने यह स्वाद अनुसार नमक डाला है, नमक मैंने पहले भी डाला है। फ्लेम को लो मीडियम किया है। यहीं पर हम 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए पानी बहुत हद तक सूख गया है। मैं यह सूखा काला चना बना रही हूँ, इसीलिए हम पानी को पूरा सूखा लेंगे। अगर आप ग्रेवी वाला काला चना बनाते हैं तो ग्रेवी अपने हिसाब से रखें। चना से पानी सूख गया है, अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। मैंने यह गैस बंद कर दिया है। तो लीजिए, बिल्कुल तैयार है काले चने के मसाले वाली सूखी सब्जी, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी अष्टमी नवमी की भोग प्रसाद। आप इस तरह से काले चने की सूखी सब्जी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।